आज हम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बिजरानी जोन की डे विजिट सफारी करेंगे। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये बिजरानी जोन का गेट है। इसके पीछे जो आप एक ऑफिस देख रहे हैं ये रिसेप्शन है। आपका परमिट यहाँ पर चेक किया जाएगा। आप जो ओरिजिनल आईडीज परमिट के साथ लगाते हैं वो यहाँ पर चेक की जाएंगी। जब भी आप कॉर्बेट घूमने आएँ जो आप ओरिजिनल आईडीज लगाते हैं परमिट के साथ उसको ज़रूर लेकर आइएगा ताकि यहाँ पर चेक करते वक्त आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। याद रखिए जब भी आप कॉर्बेट आएँ जो ओरिजिनल आप आईडी लगाते हैं वो आईडी आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए वरना आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी गेट 2 बजे का है, 2 बजे गेट खुलेगा। हालांकि हमारी ड्यूटी लग गई है, गेट खुलने का इंतज़ार है, 2 बजे की एंट्री है। ये मेरे साथ नवेद जमाल, दूसरा रेज चंगेजी, विक्रांत जॉर्डन और ये पीछे हमारे विक्रम जी। विक्रम, COVID-19 के चलते पार्क प्रशासन ने इस मर्तबा गेट पर ही एक सैनिटाइजर टैंक बनाया है। सफारी की जिप्सीज को यहीं पर सैनिटाइज करके पार्क में अंदर जाने दिया जा रहा है। एक साइन कर दीजिए, डेट डाल दीजिए। वन विभाग 18 ना जी। चलो दबाओ जल्दी। चलो भाई चलो। अपना परमिट चेक कराकर अब हम सफारी के लिए निकले हैं और पहुंच रहे हैं सीधे बिजरानी के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। यहाँ पर एक स्वागत कक्ष और आपको अपनी एंट्री करनी होगी। उसके बाद यहाँ से जंगल के लिए अंदर जाने दिया जाएगा। और ये एक पेड़ दिख रहा है आपको, इसके ऊपर एक वॉच टावर बनाया हुआ है। इसके ऊपर आप चढ़कर और जंगल का नज़ारा ले सकते हैं। बिजरानी की सफारी करते हुए अब हम बिजरानी से 7 किलोमीटर जंगल में और डेंस फॉरेस्ट में मलानी के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जंगल के अंदर है, एकांत में है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर आकर। अगर आप ओरिजिनल जंगल को फील करना चाहते हैं तो वन विश्राम भवन मलानी को आप ज़रूर बुक कराइए। आपको ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कोई कैंटीन नहीं है। अगर आप इसको बुक कराते हैं तो आपको अपना राशन लाना होगा और यहाँ पर किचन है। आपको यहाँ के फॉरेस्ट के लोग हैं जो मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर आपका खाना जो है वो खाना बना कर देंगे। आप सादा सा खाना बिल्कुल, और किसी किस्म का कोई यहाँ पे नॉन वेज अलाउड नहीं है। मिलेगी टाइगर मिल जाता है। हाँ सर, हाँ हमें अभी आप पेट्रोल में बैठे रास्ते में वही दिखाई दिए, कॉल अलार्म कॉल हुई मंकी का, तो बैठे थे हम काफी दूर तक, देर तक। इसके बाद जो अचानक दिखा, खाली पूरी दिखी, बाहर नहीं दिखा, वहाँ भाग लिया।
क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, अभी सुना तो था आप लोग घूम रहे हैं।